Welcome or welcome back to Praveen Course World. In today's video, we will discuss structure of question paper of English class 11. So I have already shared the syllabi of English on my channel. You can go and check out. And let's get started with the video. सबसे पहले time allowed will be 1 hour. 1 hour will be given to you. And total marks होंगे आपके 40. All questions will be multiple choice questions. ठीक है? सारे questions multiple choice होंगे, यानी कि MCQ type होंगे और objective type आपका exam आ रहा है. This we already know. Since a very long time, and that is the reason I am sharing a number of videos on my channel which are based on MCQ type of questions. So you can definitely go and check them out because they are literally very important. And if I say those questions are important, then I mean it. Okay, now let's get started without any further ado. Sabse pehle there will be comprehension and 1 to 10 jo questions honge. फर्स्ट टू लेके टेंथ क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन. तो कॉम्प्रिहेंशन विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, आपको पढ़ना होगा और फिर आपको सेंटेंसेस रीड करने होंगे, क्वेश्चंस रीड करने होंगे एंड यू हैव टू आंसर फ्रॉम द गिवन पैसेज. सो इट्स क्वाइट ईजी. एंड मेरे पास कुछ प्रोबेबल कॉम्प्रिहेंशंस हैं जो मैं अभी शेयर करूंगी चैनल पर. लिटरली देयर आर 10 आपके कॉम्प्रिहेंशंस हैं मेरे पास जो मैं शेयर कर दूंगी चैनल पर, और आप उनको देख लेना. PDF मैं दे दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में. तो उनमें से कोई एक आएगा, लाइक दिस इज माय इन लाइक गट फीलिंग के उनमें से ही आएगा, बिकॉज दोज आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई विल बी शेयरिंग अ सैम्पल पेपर एज वेल. तो मैं एक सैम्पल पेपर भी शेयर कर रही हूँ इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी देख लेना. और ये सारे जो PDF है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेसन्स फॉर इंटेंसिव स्टडी. फॉर 11th टू 18th जो क्वेश्चन होगा वो 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो कि बेस्ड होंगे आपके इंटेंसिव स्टडी के लेसन्स पर. कौन कौन से हैं इंटेंसिव स्टडी के लेसन्स? एक है जेंडर बायस, वी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन, एंड उसके बाद जो आपका लेसन है प्रेसिडेंट स्पीक्स. तो ये 4 चैप्टर्स में से आपके 8 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे. अगर हम रफली आइडिया लगा के चले तो 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से आएंगे, यानी कि 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन. ओके, सो टोटल हो जाएंगे आपके 8 मार्क्स के. और 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री सेक्शन. तो इसमें आपको एक स्टेंजा गिवन होगा एंड यू हैव टू रीड द स्टेंजा आउट एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सो इट इज प्रोबेबली ईजी. ओके, सो 4 क्वेश्चन आएंगे आपको 4 मार्क्स के, यानी कि कौन कौन से पोएट्री सेक्शन में आपकी 3 पोइम्स हैं. एक है आपका लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एंड फिर है मदर्स डे, एंड फिर उपा गुप्ता. और इन तीनों पोइम्स के मैंने MCQs शेयर कर दिए हैं. लाइक अगर आप वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको एग्जाम बहुत ही ईजी लगने वाला है. लाइक आई फील इट, मुझे ये लग रहा है. ओके, नेक्स्ट इज 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेसन्स फॉर एक्सटेंसिव स्टडी. फिर है आपका एक्सटेंसिव स्टडी वाले चैप्टर में से, लाइक उसमें है एस्ट्रोलॉजर्स डे, फिर एक लेसन है आपका स्पैरोज, और फिर एक और लेसन है. 3 लेसन में से फिर से आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे 8 मार्क्स के. तो मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है, वो आप देख लेना. फिर ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू पंजाबी, हिंदी पंजाबी, हिंदी टू इंग्लिश. तो ये बहुत सिंपल होती है. तो इंग्लिश टू हिंदी और पंजाबी विल बी फॉर 2 मार्क्स, एंड पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश विल बी ऑफ 2 मार्क्स अगेन. तो दिस इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल, एंड मैंने इसके लिए भी MCQs शेयर कर दिया, तो यू कैन चेक आउट. फिर 35 to 40 जो क्वेश्चन होंगे दोज विल बी ऑफ ग्रामर, डू वाइज डायरेक्टेड, लाइक डिटर्मिनर्स होंगे 1 मार्क का, फिर मॉडल्स होंगे 1 मार्क का, यूज ऑफ सेम वर्ड एज नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव 2 मार्क्स, यूज ऑफ 2 1 मार्क, रिमूवल ऑफ 2 1 मार्क. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल कम. सो आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा. और बेटर क्लैरिटी के लिए आई विल बी शेयरिंग अ सैम्पल पेपर एज वेल इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक. डोंट पैनिक बिकॉज यू आर गोइंग टू रॉक इट फॉर श्योर. आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू ऑल बिकॉज यू हैव वॉच्ड सो मेनी वीडियोज, राइट? सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. बाय बाय.